का स्वागत है। आइए देखते हैं राजनीति का क्या है हाल। मछली शहर में बीजेपी सांसद रामचरित्र निशान समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। उत्तर प्रदेश के मछली शहर के लोकसभा सीट में मौजूद बीजेपी सांसद रामचरित्र निशान शुक्रवार को राजनीति लखनऊ में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की उपस्थिति में उनकी पार्टी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी ने इस बार रामचरित्र का टिकट काटकर वीपी सरोज को दिया था। यह समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी रालोद गठबंधन के तहत मछली शहर से बहुजन समाजवादी पार्टी से श्री भुवन राम प्रत्याशी बनाए गए हैं। हमने कहा था कि राष्ट्रपति बने तो पीएम मोदी की तरह काम करेंगे योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को इटावा में कहा, आज दुनिया के किसी भी हिस्से में चुनाव हो, मुद्दे भारत और प्रधानमंत्री मोदी होते हैं। उन्होंने कहा कि 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर वह राष्ट्रपति बने तो उसी तरह काम करेंगे जैसे पीएम मोदी भारत के लिए कर रहे हैं। राहुल गांधी को यूके कोर्ट में घसीटूंगा, सब मोदी चोर हैं वाले बयान पर ललित मोदी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सभी चोरों के नाम में मोदी क्यों होता है वाले बयान पर पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी ने कहा है कि वह राहुल को यूनाइटेड किंगडम के कोर्ट में घसीटेंगे। उन्होंने ट्वीट किया है कि सच यह है कि दुनिया जानती है कि 5 दशकों तक दिन दहाड़े भारत को किसी और ने नहीं गांधी परिवार ने लूटा है। पश्चिम बंगाल रायगंज से सीपीएम सांसद ने 23 बूथ पर दोबारा मतदान की मांग। रायगंज पश्चिम बंगाल में सीएम सांसद के मोहम्मद सलीम ने स्थानीय रिटर्निंग ऑफिसर को खत लिखकर 23 बूथ पर दोबारा मतदान की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि केंद्रों में मतदाताओं को डराया धमकाया गया और बताया गया है कि उन्हें किस पार्टी को वोट करना है। पत्र में लिख तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।